खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भोपाल में 28 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य राज्य मंत्री गोविंदपुरा विधानसभा के विधायक कृष्णा गौर ने वार्ड 73 के शिवनगर कॉलोनी में 3 स्थान पर क्रांकित नाली एवं 1 स्थान पर क्रांकित सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। श्रीमती कृष्णा गौर के साथ वार्ड 73 की पार्षद सुश्री तुलसा वर्मा, भानपुर मंडल अध्यक्ष श्री नीलेश गौर, नगर निगम जोन अध्यक्ष भानपुर मंडल विस्तारक श्री राजेश खटीक, भाजपा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री बालस्ता रावत, मंडल महामंत्री श्री सुबोध साहू, मंडल महामंत्री श्री विमलेश कुमार, पूर्व मंडल महामंत्री श्री राजू राठौर, वार्ड 74 के पालक श्री बिंद्रपाल सिंह बाथम ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष गण नर्मदा प्रसाद, सचिन गायत्री गायकवाड़, मुकेश ठाकुर, मंडल मंत्रीगण विजय गौतम, बीएस मर्मट, शिवदयाल मैथिल, रवि लोधी, अनीता राजपूत, हरिदेवी विश्वकर्मा, पूर्व मंडल मंत्री सुनील यादव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुश्री पूनम प्रजापति, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री मांगीलाल पटेल, अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री संदीप अहिरवार, वार्ड 73 की संयोजक देवेंद्र साहू, वार्ड 74 की संयोजक पूरन माली तथा केपी पाठक, जगदीश साहू, श्री नारायण दुबे, हर्ष सिंह राजपूत, कैलाश सोनी, बलराम रजक, अक्षयवर सिंह ठाकुर, भगवान दास राय, दीपक कुशवाहा, मोहन साहू, राम सखी लोधी, रामदयाल धाकड़, पुरुषोत्तम चौरसिया, दिव्या पटेल एवं अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। चौक पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम बीएसएनएल के पीछे से जो नाला चौक पड़ा हुआ है जिसकी पब्लिक बोल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाले का ये पूजन कर रहा है, वो नाला बंद कराओ, 1 लाख रुपए की लागत, वो नाले का नाला, ये नाला नाली बनवाओ, हमारे सरकार ने जब आया कि नाले का निर्माण होना चाहिए, नाले बनकर नाली मिलेगा, पानी अपने आप चलने लगेगा, पानी आता है ना, उसी नाले का पानी सीधा यहाँ से मिलकर पात्रा में सर, जो अभी चौरसिया मंदिर के सामने से जो नालियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर जो नालियाँ गई हैं, जो कुछ अतिक्रमण की जगह में, मतलब वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और नाली बन चुकी है, बाहर भी अतिक्रमण, वो कम मुक्त होगी सर वो जगह अतिक्रमण से? अतिक्रमण से पूरी नालियों को मुक्त कराने का हमने जल्दी सारे नालियों से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। सर ये कब तक होगा? इसको हमारी अभियान चालू है, जैसे हम स्वच्छ भारत मिशन से पहले पहले हम पूरी नालियों का अतिक्रमण से मुक्त कराते हैं। सर कई जगह पे मकानों के सामने लोगों ने 5-5 फीट का अतिक्रमण करके रखा है, जो अब बाउंड्री बना के रखी है, उसके ऊपर आप कब कार्रवाई करेंगे? अभी समझाइश दी गई है, उनको स्वयं हटाने का बोला गया है, यदि वो नहीं हटाते उसके बाद हम नगर निगम द्वारा खुद ही कार्रवाई, उन्होंने पक्का निर्माण करके रखा है, उसको भी तोड़ा जाएगा।